नमस्कार, मैं आसमा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लद्दाख में शहीद हुए सेना के जवान पलवल जिले के गांव बहिन निवासी मनमोहन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बहिन पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, राजनीतिक, सामाजिक और जिला प्रशासन सहित हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद मनमोहन को उनके 13 माह के बेटे ने मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि लेह लद्दाख जाते समय सड़क हादसे में सेना के 9 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें पलवल जिले के गांव बहिन निवासी मनमोहन भी इस हादसे में शहीद हो गए थे। इस दौरान गांव बहिन और आसपास के गांवों के हजारों लोगों ने भारत माता की जय, मनमोहन अमर रहे और वंदे मातरम के नारों का जय घोष करते हुए अंतिम यात्रा निकाली। इस दौरान भारी संख्या में शहीद मनमोहन के अंतिम दर्शनों के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। पलवल से हमारे संवाददाता परवीन आहूजा की रिपोर्ट। पहुंचे हैं, शहीद को श्रद्धांजलि दी है, परिवार के लोगों के साथ किस तरह से इसका? देखिए, आज इस क्षेत्र के लिए बहुत दुख की घड़ी है कि हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के एक बड़े गांव बहिन का एक नौजवान, जो अभी पूरी तरह खिला भी नहीं था, देश के लिए कुर्बान हो गया। आज पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। अभी 28 साल की उम्र में जिसको एक पुत्र, जो अभी 13 महीने का है, उसने जब अपने हाथों से अपने पिताश्री को मुखाग्नि दी है, तब सारी आंखें नम थी। तो आज मैं उस शहीद परिवार के प्रति और उस शहीद के प्रति नमन करता हूं, जो भरपूर जवानी में देश के लिए शहीद हो गया, अपना सर्वस्व नौछावर चल के चला गया। आज ऐसे शहीदों के कारण ही आज हम सब सुरक्षित हैं। और इन शहीदों को जितना भी श्रद्धांजलि दी जाए उतनी ही कम है, और मैं इस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उस परिवार को इस गहन सुख को दुख को सहन करने की शक्ति दे। मंत्री जी, केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से किस तरह की मदद दी जाती है? देखिए, केंद्र का और प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी सब कुछ तय है कि शहीद के लिए जो राशि है, जो नौकरी है, जो और तमाम सुविधाएं हैं, क्योंकि और ये सब कुछ कम है शहीद के लिए। शहीद के लिए कुछ भी कर लें वो भी कम है, परिवार, लेकिन परिवार के पीछे उसको एक तरह से उनके जीवन यापन के लिए अपनी सरकार ने सारी राशि भी तय की है, नौकरी का प्रबंध भी किया है, तो वो सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन वो सब चीज़ें भी उस परिवार की उस कमी को पूरा नहीं कर सकती जो परिवार के सदस्य के जाने से इस परिवार पर गुजरा है। उसको वो तमाम सुविधाएं भी उसको पूरी नहीं कर सकती, लेकिन उस प्रभु का अपना विधान है। तो इसमें आज हम इस समय पर सिर्फ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं और परिवार के प्रति, सिर्फ मैं नहीं पूरा इलाका परिवार के साथ आज इस दुख की घड़ी में खड़ा हुआ। परिवार के लोगों की मांग है कि उनके जो नेशन है उनको हरियाणा सरकार सरकारी सर्विस दें, निश्चित तौर पे 1 करोड़ के मुआवजे की भी मांग। देखिए, मैं कहता हूँ जो मैक्सिमम राशि सरकार देती है वो भी मिलेगी, नौकरी का प्रावधान है वो भी मिलेगा, तो सब कुछ जो सरकार ने तय कर रखा है हर वो चीज़ इस शहीद परिवार को मिलेगी। और उसके बाद भी अगर परिवार उनके नाम पर कोई चीज़ यहाँ पर करना चाहता है वो भी उस शहीद के नाम से गांव में किया जाएगा। सुशील गुप्ता जी का बयान आया कि वो कह रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर जो है शहीदों को सम्मान राशि देगी। देखिए, राजनीति का समय नहीं है भाई, आज सारा इलाका गम में डूबा हुआ है। आज मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, जिन्होंने राजनीति करनी है उनको राजनीति मुबारक। आज हम इस शहीद परिवार के प्रति इस दुख में उनके साथ खड़े हैं और जो हर संभव मदद है वो परिवार की हम करेंगे।
मनमोहन सिंह जी वहाँ पर पहुँचे हैं, आज उनका अभिनंदन दी गई है, कितनी क्षति मानते हैं देश के लिए भी और परिवार के लोगों को किस तरह से साथ में। देखो शहीद जो है सारे देश का होता है और उसकी कोई क्षति होती है तो सारे देश की क्षति होती है। आज शहीद मनमोहन शर्मा अपने कर्तव्य के बलि चढ़ गए, अपने ड्यूटी पर थे, उनका कुदरत कैसा था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो नीचे उनकी गाड़ी खाई में चली गई, तो वो अपने कर्तव्य निभाते हुए इस देश के लिए शहीद हुए हैं। सभी तमाम पूरा इलाका हमारे उनके चरणों में सशक्त मन करता है और उनकी मैं कहता हूँ कि शहीद अमर होता है और उनके मैं तो कहूँगा उनकी माँ भी धन्य है, पत्नी भी धन्य है। 2 साल पहले शादी हुई थी, एक छोटा सा बच्चा है 13 महीने, तो इससे ज़्यादा कोई क्षति हो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने वो देश के अपने कर्तव्य पर अपने बलि हुए हैं तो इसलिए उनके बलिदान पर हमें गर्व। परिवार के लोगों ने कल भी मांग की थी कि उनकी जो पत्नी है उनको सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी दी जाए ताकि परिवार को सपोर्ट मिले, इकलौता बेटा था उसका। देखिए सभी जो शहीद होते हैं उसके बाकायदा सारे नियमावली बनी हुई है, उसके मुताबिक ही सभी को जो भी परिवारजनों को सरकार की तरफ से राहत मिलती है तो वो तो वहाँ से मिलेगी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से, बल्कि हम तो चाहेंगे कि हमारे हरियाणा सरकार भी जो शहीद हुए से शहीद परिवार को सांत्वना देने के लिए इनको भी अच्छी इनको मदद आर्थिक मदद अच्छे ढंग से की जाए। सुशील गुप्ता जी का भी बयान आ रहा है, उनका कि सरकार को कम से कम 1 करोड़ की जो सम्मान राशि है वो परिवार को दे ताकि जिस तरह से दिल्ली में वो किया जाता है, इस पर क्या? देखो सुशील गुप्ता का अपना बयान है, रहती है कि जो नियम है हरियाणा सरकार में उसके मुताबिक जो शहीद होता है और उसको जिस तरह से अनुदान दिया जाता है उसके परिवारजनों को पलने के लिए, बच्चा तो बहुत छोटा है, मैं तो चाहूँगा कि भाई उसकी पत्नी को सर्विस गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, जो बुजुर्ग माँ बाप है उनके लिए भी वो समुचित जो है ना अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।